नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में। बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार में सड़कों की स्थिति में पहले से बहुत सुधार हुआ है। बिहार में अगर सड़कों की बात करें तो नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक की स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पटना मेट्रो के लिए काम शुरू हो गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पास कर लिया गया है। इस परियोजना में 20% केंद्र सरकार और 20% बिहार सरकार खर्च करेगी। बाकी 60% जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से लिया जाएगा। इस परियोजना में 20% केंद्र सरकार और 20% बिहार सरकार खर्च करेगी। बाकी 60% जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से लिया जाएगा। पटना मेट्रो पर तेजी से काम करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। पटना में मेट्रो के फेज वन में 2 कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर वन में दानापुर से मीठापुर और कॉरिडोर टू में गांधी मैदान से पाटलिपुत्र बस स्टैंड होगा। सबसे पहले दूसरे कॉरिडोर को प्रायोरिटी कॉरिडोर में काम शुरू किया जा रहा है। बता दें कि यह हिस्सा राजेंद्र नगर से मलाही पकड़ी होकर 0 माइल होते हुए न्यू ISBT तक जाएगा। करीब 14.564 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में मिट्टी के जांच का काम हो गया है। यहां मेट्रो एलिवेटर यानी कि जमीन से ऊपर से गुजरेगी। पटना मेट्रो के फेज एक के प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों में कॉरिडोर एक और कॉरिडोर दो दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कॉरिडोर एक 17.933 किलोमीटर लंबा है तो वहीं कॉरिडोर दो 14.564 किलोमीटर लंबा है। दोनों ही कॉरिडोर में कॉरिडोर एक में 14 मेट्रो स्टेशन हैं तो वहीं कॉरिडोर दो में 12 मेट्रो स्टेशन हैं। आइए हम जान लेते हैं कॉरिडोर दो में मेट्रो स्टेशन के बारे में। पटना में मेट्रो की शुरुआत होती है तो सबसे पहली मेट्रो पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। उसके बाद वह आकाशवाणी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। उसके बाद गांधी मैदान, उसके बाद PMCH, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, उसके बाद मोइनुल हक स्टेडियम, उसके बाद राजेंद्र नगर, उसके बाद मलाही पकड़ी, उसके बाद खेमनी चक, उसके बाद भूतनाथ रोड, उसके बाद 0 माइल और उसके बाद सबसे आखिरी जो है वो रेलवे स्टेशन होगा ISBT। वहीं इसकी पूरी लंबाई 14.564 किलोमीटर होगी, जिसमें से 7.296 किलोमीटर भूमिगत रेलवे मेट्रो स्टेशन होगी तो वहीं 6.638 किलोमीटर ऊपरगामी मेट्रो होगी। वहीं अगर हम कॉरिडोर एक स्टेशन की बात करें तो यह दानापुर से खुलेगी। इसके बाद यह सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना स्टेशन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और इसका सबसे आखिरी स्टेशन खेमनी चक होगा। इसकी कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर होगी, जिसमें से 10.54 किलोमीटर मेट्रो भूमिगत मेट्रो होगा तो वहीं 7.393 किलोमीटर जमीन के ऊपर होगा। वहीं दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज के लिए आर ब्लॉक से दीघा के बीच मेट्रो चलाने की योजना के तहत सड़क के बीचों बीच जगह छोड़ी गई है। यह दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है। यहाँ मेट्रो रूट एलिवेटर होगा। पटना मेट्रो का एक डिपो एतवारपुर में प्रस्तावित है, मगर DMRC ने इस डिपो को खत्म किए जाने का सुझाव दिया है। कहा है कि सिर्फ न्यू ISBT के डिपो से ही दोनों कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। पटना मेट्रो का एक डिपो एतवारपुर में प्रस्तावित है, मगर DMRC ने इस डिपो को खत्म किए जाने का सुझाव दिया है। कहा है कि सिर्फ न्यू ISBT के डिपो से ही दोनों कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। अब न्यू ISBT में से 10 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन लेने की बात कही गई है ताकि स्टाफ क्वार्टर व व्यावसायिक स्थल विकसित किया जा सके। DMRC के प्रस्ताव के अनुसार मेट्रो को एतवारपुर न ले जाकर मीठापुर से खेमनी चक होते हुए न्यू ISBT ले जाया जाएगा। इससे स्टेशनों की संख्या बढ़ जाएगी। मौजूदा DPR के अनुसार पटना जंक्शन में ही इंटरचेंज स्टेशन था, लेकिन नए DPR के अनुसार खेमनीचक में भी आप अपना रूट बदल सकते हैं। जब पटना मेट्रो पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देगी उसके बाद से पटना के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगा और पटना भी दिल्ली और मुंबई की तरह तेज रफ्तार वाले शहरों में गिना जाने लगेगा। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।